हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बैटलफील्ड 5। और आज हम लोग अपनी थर्ड वार स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है 1944 में। और 1944 ये वो टाइम था जब वार का जो पांसा था वो एलाइज के हक में पलटना शुरू हुआ, और अमेरिकन फोर्सेस ने नॉर्मंडी बीचेस के ऊपर ऑपरेशन ओवरलोड के अंदर जो लैंडिंग्स वगैरह की और वहाँ से फ्रांस को यूरोप को लिबरेट कराना शुरू किया। ऑफ कोर्स एलाइज फोर्सेस भी उनके साथ में थी, तो उस ऑपरेशन ओवरलोड के साथ में ऑपरेशन ड्रैगून भी चल रहा था, जिसके अंदर फ्रांस को मजीद इंटरनल एरियाज़ को लिबरेट करवाया जा रहा था। और उसमें ब्लैक अफ्रीकन पीपल ने काफ़ी हेल्प की थी, तकरीबन 2 लाख सोल्जर्स वगैरह थे, क्योंकि बहुत सारी नेशंस पे, अब ये वर्ल्ड वार थी तो बहुत सारी नेशंस अफेक्ट हो रही थी, तो डिफरेंट आर्मीज़ ने मिलकर इस वार एफर्ट को सपोर्ट किया था। तो ये वार स्टोरी बेसिकली उन्हीं ब्लैक पीपल के हवाले से है कि किस तरह से उनकी जो वार में खिदमात थी फ्रांस के लिए उनको भुला दिया गया, और बाद में फिर हम देखेंगे कि किस तरह फ्रांस की गवर्नमेंट ने आखिरकार, बहरहाल बहुत टाइम के बाद, उनकी जो ये एफर्ट्स थी उनको अप्रिशिएट किया। बट बहरहाल शुरू करते हैं अपनी आज की वार स्टोरी। प्रोवेंस फ्रांस, ऑटम 1944, द बैटल टू रीटेक यूरोप्स अंडरवे। After Operation Overlord's bloody victory on the beaches of Normandy, Operation Dragoon begins a deadly incision from France's southern coastline. Okay, 5 lakh Allied troops थे जो कि France को liberate कराने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। और of course ये Allied troops हैं, किसी एक country की फौज नहीं थी, बहुत सारी countries जो हैं उनसे मिलाकर ये 5 लाख की तादाद complete की गई थी। हाँ, एनिमी तो प्रिपेयर था ही भाई, क्योंकि जर्मन आर्मी तकरीबन पिछले 2 से 3 साल से इस एरिया के ऊपर काबिज़ थी, तो इतने एरिया के अंदर उन्होंने सुकून से फोर्टिफिकेशंस और रोड ब्लॉक्स वगैरह बनाए हुए थे, अपने पैर जमाए हुए थे उस रीजन में। Regardez les des soldats français courageux prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'eh? Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tu as quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France, nous avons vu à quel point nous étions français. ظاہر ہے بلیک پیپل غلامی سمجھ جاتے تھے اس ٹائم پہ, ہمیں تو اسٹل آج کے دور میں بھی اس طرح کا سین دیکھنے کو ملتا ہے کہ بلیک پیپل کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, حالانکہ बहुत तरक्की कर चुके हैं ब्लैक पीपल। On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont différentes.
मतलब आप लोग खुद अंदाजा कर लो कि उस टाइम पे les français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes et comme tout a échoué notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclaient. मतलब उस टाइम पे आप देख लो कि एक एक बंदा जरूरी था. एलाइज तीन सालों से लगातार हार रहे थे और अब उनके फौज में एक एक बंदा जरूरी था लड़ने के लिए, बट फिर भी ब्लैक पीपल को ये इजाजत नहीं थी कि तुम फाइट करो जाके. बट फाइनली चांस मिला इनको. और सिंपली इसकी वजह ये थी ना कि ब्लैक पीपल को वो लोग अपने बराबर का, अपने लेवल का नहीं समझते थे. peut-être pas mais n'oubliez jamais que ce qui est écrit est pas toujours vrai et que ce qui est vrai est pas toujours écrit. Ils arrivent, je veux pas mourir. Ah ah. Stukas. Oh. Oh shit. Tu dois tirer où? Il faut qu'on soit fort. All right. Time to fight, bro. Time to fight. कॉनवॉय की ऐसी तैसी फिर चुकी है पूरी तरह से, तो अब और कोई ऑप्शन नहीं है बजाय सिवाय इसके के ग्राउंड असॉल्ट की जाए. नाइस, एक और होना चाहिए यहाँ पर. हाँ ओके, मेरे पास बुलेट्स काफ़ी कम है तो इनिशियल फाइट में बहुत सोच समझ के फायर करूँगा. मेरे ख्याल से सोचना समझना गया भाड़ में. अबे चढ़ जाना ऊपर. ओ ये जख्मी था. वेट अ सेकंड, गन चेंज कर लूं. वेट वेट वेट, नो हैवी फायर आ रहा सामने से. ओप्स. Oh. Nice. Okay, सामने कवर तक भागना है. पहुंच गए. ये क्या है? Okay, नहीं ये गन नहीं चाहिए. हाँ ये तो लग गई ना बस. भाई क्या है? ज़रा एमओ पिक कर लूँ फिर चलते हैं आगे. मेरे ख्याल से मैं फ्रेंडली मार चुका हूँ एक, अगर फ्रेंडली फायर ऑन होता तो ऑफ कोर्स. इस गन का डैमेज नहीं है इतना. ओके बहरहाल मुझे अच्छी गन मिल जाएगी अभी यहीं से. ओप्स एक्चुअली मेरी जो डिफॉल्ट गन है उसका फायर रेट बहुत कम है, इसकी वजह से मैंने गन चेंज की थी. ये गन बहुत कमाल की है. वेट वेट. ऑलराइट, इस गन का रिकॉइल भी बेहतर है और फायर रेट काफी अच्छा है. नाइस. बस ऑलमोस्ट कब्जा हो चुका है इस एरिया पे. एक या दो एनिमीज रह गए हैं बस. ओह शिट. ओ नारे
ici! All right. कर लिया कब्जा और अब एक कयामत जैसी बैटल में हम लोगों ने हिस्सा लेना जाके। On perd notre identité face à l'immensité de la guerre. Une autre fourmi, un autre cadavre. Et pour nous, on ne sait pas. बिल्कुल नहीं रुकना इस एरिया में वरना कोई पता नहीं किस टाइम डेथ हो जाए। ओह शिट, je suis un tirailleur et que Dieu nous aide. ऑलराइट, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगानी। अगर हम इस एरिया में फंस गए तो बस फिर फंस जाएंगे। ठीक है, ये सारी जगह एक्चुअली बिल्ड की हुई है ताकि टैंक के एरिया को क्रॉस ना कर सकें। ओके, ओ बॉय, इजी इजी, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है हमें। देखा, ओ मैन, स्टिल एनिमीज आ रहे हैं यहाँ पे, तो अभी इसका मतलब है कि ये एरिया पूरी तरह से एनिमी के कंट्रोल से नहीं निकला, अदरवाइज यहाँ वाले एनिमीज रिट्रीट करना शुरू कर देते। ओ शिट, जल्दी, नाइस, ऑलराइट, मेरे ख्याल से अब एनिमीज वगैरह रिट्रीट कर रहे हैं। यस, हाँ ठीक है, मैंने कहा शायद ये स्किल फायर कर रहा है, तो अब हमें उन बंकर्स को खाली कराना है और वहाँ पे मौजूद जो गन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। ओह शिट, और पीछे भागो, साले स्टिल फायर कर रहे मेरे पे। ओके, ओह शिट, बुलेट्स भी कम है बहुत। N'était pas toujours bien équipé. Fallait fouiller, ramasser, improviser. Je me disais, Démé, faut trouver quelque chose. Oh! No! What? Oh man, मैंने कहा दूर से कहीं फायर कर रहा है, फौरन से इतना करीब नहीं आएगा और पता लगा अचानक ही बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। Okay, अच्छी बात है, लास्ट टाइम मैं ये भी पिक करना भूल गया था। ये गन्स को डिस्ट्रॉय करने में हमारे पास, ये गन्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगा काफ़ी हमारी। ऑलराइट, ऑलराइट, अगेन भाई एक साइड से एरिया स्वीप करना बेहतर है बजाय इसके मैं बिल्कुल फायर में जाके यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ फाइट के मिडल में। साले, मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए, जान दे मुझे, नहीं मुझ पर पंगा ले रहा है। Tirailleurs n'étaient pas toujours bien équipés. Fallait fouiller, ramasser. Chal, ek gun to bhai. Je me disais, Démé, faut trouver quelque chose. Trouve un moyen pour que ça marche. Détruire les canons sauvera des vies. Oh! De vraies vies. C'est concret, c'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée. अबे क्या फायरिंग कर रहे हैं ये लोग? हाँ, मशीन गन को तो बंद करवाएं जरा। ठीक है, सेकंड गन गई। ओह शिट, पीछे एनिमी। ओके, ओ बॉय, यहाँ ऊपर कोई है? अबे क्या बुरा एम, नाइस,
एक ही हेडशॉट लग जाता था काम हो जाता, लेकिन मैं मिस कर गया। बट इट्स ओके, ओह शिट, ये हुआ क्या है? पर चलो जो भी हुआ ठीक ही हुआ है, गन्स डिस्ट्रॉय हो गई। अब बस हमने लास्ट बंकर को जाके वो करना है, डिस्ट्रॉय करना है, और डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, कैप्चर करना है। ओ भाई दिमाग घुमा हुआ है मेरा थोड़ा सा। ओ यस कार्टिये जनरल अल्मों ऑन प्रन नोत्र कुराज। वेल ये है कि ये वार स्टोरी जरा लास्ट वाली से डिफरेंट है, इसमें जरा ओपन ओ शिट वार वाली फीलिंग आ रही है, इतना ज़्यादा स्नीक करना नहीं है, ज़रा हैवी इंटेंस फाइट है और अच्छा है ये। ओके यहाँ पे मैंने शायद किसी और को भी देखा था, हाँ जरा पहले मैं समझा ये अपना साथी है। ओह बॉय जर्मन हेडक्वार्टर है तो ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस होगी यहाँ पे ज्यादा। अबे गलत जगह पे हूं मैं, नाइस on était tous emportés par l'euphorie de cette surprenante victoire, même après toutes ces années je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. All right, mere khayal se ye area clear ho chuka hai. Par ye log kyun cheekh rahe hain? Okay, mere khayal se counter attack hone wala hai hum pe. Yes. Bilkul. एनिमी स्मोक स्क्रीन में से आएंगे। ओके एनिमी व्हीकल, इसको ठिकाने लगाता हूँ मैं अभी। वेरी नाइस, इसे रिलोड ही मैंने कहा करके रख लेते हैं इन केस कोई और व्हीकल आ जाती है तो। ओह मैन वेल ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग डिफेंड कर रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। अबे पिक करना ऊपर से, ओके एनिमीज नज़र नहीं आ रहे मुझे। ओके ट्रक आया, वेरी नाइस, क्या फायदा हुआ इस बेचारे के आने का। एक और, हाँ बट ये खाली है। ओके ये हिट्स लग क्यों नहीं रही थी। मेरे ख्याल से सेकंड वेव आ रही है। ओके नाइस, ओ मेरे ख्याल से ये एलीट सोल्जर्स हैं जिनके ऊपर ये थ्री डायमंड से बने हुए आ रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है बट अंदाज़ा लगा रहा हूँ ऐसे। ओके मुझे एमओ भी चाहिए अब। ओ शिट टैंक, नाइस, ओह शिट नाइस, पर मुझे यहाँ पर सैमो पिक कर लेना चाहिए। ये क्या हुआ? Arrive. Une traînée dans le ciel bleu. क्या ये हमारी एयर फोर्स थी? Sera récompensé. लगता तो ऐसा ही है। Non. Mais on le sait pas. अबे यार. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage.
ये यहाँ तक घुसाए हैं? शिट, अबे इस पॉइंट पे आके मैं नहीं मरना चाहता भाई, हद हो गई है। मुझे लग रहा है बहुत ही हैवी टाइप का अटैक हो रहा है। ओह शिट, नो। ओके, और इर्द गिर्द मुझे अपने टीममेट्स भी नहीं नजर आ रहे। पता लगे मुझे लेफ्ट से फ्लैंक। ओके ओके, मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुकी है। नाइस, मुझे अपने फ्लैंक्स का डर लग रहा था। ओ ओ, लेट्स लेट पार्टी पेटी फ्रेंड। हाँ सही है, जान दे उसे। इद्रिसा, est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, waouh, on a gagné. Il conseille. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! इस बेचारे के ये पहली विन है, खुशी संभाली नहीं जा रही। Surveillez les armes là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être nous donnerons une médaille. Ek win ho gayi aur ye josh mein mazid aage jana cha raha hai. Deme, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons! Allons les combattre! J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous! On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question: de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous! De la reconnaissance! Du respect! Pour nous! Pour nos enfants! Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment! Allons-y! 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 ये बंदा मरवाएगा, कुछ ज्यादा ही जोश में आइए। Eh bien, on peut dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. Oh shit, तो मतलब वो split भी हो गए और मतलब मेरे ख्याल से अब हम अकेले होंगे। टैमे अकेला जा रहा था। On a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. ठीक है, तो एक गन्स को डिस्ट्रॉय करना है हम लोगों ने। और हमारा एक ग्रुप अपनी मेन फोर्स से अलग हो गया था, तो डेमे अलग से जाके उनको ढूंढेगा और फिर मेन फोर्स के साथ ज्वाइन करके ये लोग एक गन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो बहरहाल ये सब करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग। पहला सेक्शन या पहला हिस्सा इस वार स्टोरी का एंड हो चुका है, और मुझे बताइएगा ये आप लोगों को कैसा लगा। और मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में इस नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।